नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है NCISM की तरफ से, जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि NCISM एक्ट अभी 2022 में आया था और उसके पहले भी 20 में भी आया था, जहां पे उन्होंने नेशनल एग्जिट टेस्ट और NTET की, इसका फ़ायदा ये था कि अगर आप MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से और वहाँ से पास होने के बाद आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी तो वर्तमान में ये नियम है कि आप MD के बाद जब आपको डिग्री अवार्ड हो जाती है तो आप डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी और उसी समस्याओं को लेकर अभी NTET चालू होने जा रहा है। NCISM के द्वारा इसके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन उसके बाद जिन्होंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है या 2024 में ज्वाइन करने वाले हैं या जिनके पास टीचर्स कोड नहीं है, उनको NTET देना होगा और NTET में पास होने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें कंडीशन यही है, एग्जेम्प्ट उन्हीं को किया गया है जिनका 2023 दिसंबर तक जिनके पास टीचर्स कोड आ गया है। जिसके पास टीचर्स कोड नहीं आया दिसंबर 23 तक, उनको ये देना होगा, उसके बाद ही आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और उसमें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है वो नोटिफिकेशन NTET का, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि इस साल से ही शुरू होने जा रहा है, यानी कि 2024 से। जो सब्जेक्ट है इसका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ इच डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज पर सेक्शन 17 ऑफ NCISM एक्ट 2020, यानी कि 2020 में ही जो एक्ट बना था उसमें इस बात को ऐड कर दिया गया था कि आने वाले समय में NTET के माध्यम से भी नए टीचर्स को कोड मिलेगा। इसमें मेनली चार पॉइंट हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, एज पर प्रोविजंस मेंशनड अबव NCISM हैज़ टू कंडक्ट नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज हु वांट टू इंटर टीचिंग प्रोफेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। NCISM हैज़ रिसीव्ड ए वेटेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट रेगुलेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सेट रेगुलेशन विल बी नोटिफाइड सून। तो इसमें है कि जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यानी कि जिनके पास कोड ऑलरेडी नहीं है, उन्हीं के लिए ये आपको देना होगा। फर्दर एज पर ला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द रेगुलेशन। तो नोटिफिकेशन आ गया और इमीडिएटली इसको स्टार्ट करना है। देयरफॉर आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ अबव सेड रेगुलेशन एवरी एलिजिबल पर्सन हैज़ टू पास नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट NTET बिफोर ज्वाइनिंग एज टीचर इन ISM कॉलेज। NCISM had already started process for preparing for this first NTET in 2024. The date and time of NTET will be declared in due course of time in accordance with above said provisions. और जो चौथा पॉइंट है, प्लीज नोट NTET इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज हु हैव NCISM टीचर्स कोड। तो जिसके पास ये कोड है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इस कॉपी जो है सबको लगभग भेजी जा चुकी है, सेक्रेटरी को, चेयरपर्सन NCISM, प्रेसिडेंट बोआ, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्धा सोवारिकपा, प्रेसिडेंट मारविजम गार्डफाई, तो सबको भेजी जा चुकी है और निश्चित रूप से 2024 में स्टार्ट हो जाएगा।